17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 8 चीतास को भारत फिर से लाया गया है। एक स्पेशल कस्टमाइज B747 जंबो जेट में इनको लाया गया है, जिसका फेस टाइगर की तरह कस्टमाइज किया गया है। इन 8 चीतों को भारत के कुनू नेशनल पार्क में रखा गया है। ये मध्य प्रदेश में है। भारत में आखिरी एशियाटिक चीते का शिकार 1947 में किया गया था। यह शिकार महाराजा रामानुज देव प्रताप छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया था। इनके लिए 1500 टाइगर्स को मारने का रिकॉर्ड भी रहा है। इंडिया के लास्ट डेड चीते के साथ ये डिवेस्टेटिंग पिक महाराजा रामानुज के सेक्रेटरी द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सबमिट कराई गई थी। इसके बाद 1952 से चीता को भारत में पूरी तरह से विलुप्त घोषित कर दिया गया। इन वाइल्ड कैट्स को भारत में रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। चीता भारत में 1950 से विलुप्त हैं। भारत में लाए गए ये 8 चीते साउथ अफ्रीका के नेबीबिया से लाए गए हैं। इनमें 5 फीमेल हैं और 3 इनमें मेल हैं। 3 मेल चीतों के नाम ओवान, एल्टन और फ्रेडी हैं और 5 फीमेल चीतों को शवाना, आशा, सिविली, शायशा और शाशा नाम दिए गए हैं। जून 2022 से साउथ अफ्रीका के नबीबिया में इंडियन फॉरेस्टर्स को चीतों की देखरेख और उनको हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। 100 चीतल्स को कुनू में प्रे या शिकार के लिए भी छोड़ा गया है, जो इन चीतों का खाना बनेंगे। चीता को इंडिया में रीइंट्रोड्यूस करने का प्लान 1970 में भी बनाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तब चीता को ईरान से एशियाटिक लाइंस के बदले एक्सचेंज करने का प्लान था, क्योंकि एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान में है और एशियाटिक लाइन भारत में। उस समय ईरान के शाह पहलावी भी इस एक्सचेंज के लिए तैयार थे, लेकिन चीता के लिए भारत में सुटेबल एटमॉस्फेयर रेडी नहीं हुआ था। उसके बाद भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई और ईरान में भी रेजोल्यूशन आया और 1979 में शाह का तख्त पलट हो गया। इस दौरान गुड केयर और मेंटेनेंस की कमी के चलते ईरान में भी एशियाटिक चीता इंडेंजर्ड हो गए। तो 1979 में ईरान ने चीता ऑनलाइन एक्सचेंज करने से मना कर दिया। तब से 2009 तक प्रोजेक्ट चीता पूरी तरह से फ्रोजन हो गया और 2009 में एनवायरमेंटल मिनिस्टर जयराम रमेश ने राजस्थान में एक सेमिनार में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेड M.K. रंजीत सिंह से चीता रोड मैप प्रिपेयर करने की बात की, जहां 2010 और 12 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज को मार्क किया गया। इस सर्वे में इन राज्यों के क्षेत्रों को चीता के लिए सुटेबल बताया गया, लेकिन इसके बाद 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट चीता पर रोक लगा दी। 2020 में चीता को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी, जिस पर जयराम रमेश ने ट्वीट करके अपनी खुशी व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीता मित्रों के सहयोग से कुनू नेशनल पार्क के आसपास रहने वाले गाँव वालों को भी जागरूक किया है कि हमें इन चीतों की देखरेख करनी है, इनका रख रखाव करना है। प्रोजेक्ट चीता पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।